मैं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ वाराणसी से बोल रहा हूँ। मैं आज कुछ खास बातें डेंगू बुखार के रोकथाम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। डेंगू बुखार एक तरह के मादा एडीज एजिप्टियाई मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों की पहचान यह है कि इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियाँ होती हैं। ये मच्छर दिन में खासतौर से सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज़्यादा फैलता है। डेंगू बुखार फैलता कैसे है? डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू मरीज के किसी मरीज को काटता है तो वो उस मरीज का खून चूसता है और खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वाला यह मच्छर किसी और स्वस्थ इंसान को काटता है तो उससे वह वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे वह डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। मच्छर के काटे जाने के करीब 3 से 5 दिनों बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। उन मच्छरों के काटने से कैसे अपने आप को बचाया जा सके? प्रायः डेंगू का मच्छर दिन के समय काटता है, इसलिए दिन में मच्छरों के काटने से खुद को बचाएं। बारिश के दिनों में फुल शर्ट वाले ही कपड़े पहने, पाँव में जूते जरूर पहने, शरीर को कहीं से भी खुला न छोड़ें। घर के आसपास या घर के अंदर पानी नहीं जमने दें। रूम कूलर, फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में 2-3 बार और पक्षियों को दाना पानी देने के बर्तन को रोज़ पूरी तरह से खाली करें। घर में टूटे फूटे डिब्बे, टायर, बर्तन, बोतलें आदि न रखें। अगर रखें तो उल्टा करके रखें। मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर करें और मच्छरों को दूर करें। पानी की टंकियों को सही तरह से ढक कर रखें। अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों, दरवाज़ों पर महीन जाली लगाकर मच्छरों को घर में आने से रोकें। घर के अंदर सभी जगहों में हफ्ते में 1 बार मच्छरनाशक दवा का छिड़काव जरूर करें और घर के स्टोर रूम और सभी कोनों में जरूर छिड़कें। यदि आपको डेंगू हो भी गया है तो यह परहेज करते रहें, जिससे आपके शरीर का वायरस आपके परिवार के किसी और स्वस्थ पर्सन को, व्यक्ति को न पहुंच पाए। इससे पहले सबसे पहले नज़दीकी डॉक्टर से सहायता लें और अपने ब्लड टेस्ट की समय समय पर जाँच करवाते रहें। उपचार का मुख्य तरीका इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही है। कोई इसका निश्चित इलाज नहीं होता है, ये एक निश्चित समय के बाद ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें ध्यान देने की चीज़ ये होती है कि रोगी को लगातार पानी देते रहें। शरीर में पानी की कमी को रोकना है। नसों के जरिए आईवी फ्लूइड के रूप में भी इसका ट्रीटमेंट दिया जाना है। यदि इससे ज़्यादा यदि कोई तकलीफ होती है तो नज़दीक के किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क जरूर करें।